झंझारपुर लोकसभा में 25% अगर इसको वोट हो जाएगा यादव परिवार से तो बहुत हो गया लालू यादव के नाम पर। 25% की बात करते हैं जी, यादव जी टूटे वाला होता है जी। यादव जी कैसे नहीं टूटेगा, अगर आप सोचिएगा जो हम पूरे बपोटी हमारा ही यादव हो गया तो अब अनपढ़ गवार नहीं रहा। बाबा दादा था अनपढ़ गवार तो हो जाता था, इसका बच्चा सब पढ़ने लिखने वाला सब अपना भविष्य देखता है। अच्छा, झंझारपुर का यादव पूरा नाराज पूरे पूरे जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ किया था तेजस्वी यादव पीठ में छोड़ा भोंका, ऐसा ही गुलाब यादव के साथ पीठ में छोड़ा भोंका है। लालू यादव कहते हैं कि हम तो यादव के लिए मुस्लिम के लिए जितना काम किए है, अगर दलित के लिए काम किया कोई काम किया एक चीज भैया, अगर यादव के लिए करते तो यादव के बेटा आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेटा बेरोजगार नहीं रहता। सिर्फ लालू यादव अपने परिवार के लिए किए। अच्छा, एक से एक हमारे यादव समुदाय में पढ़े लिखे लड़का लड़की बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं रहता। आप बीजेपी का नहीं निकल गए? नहीं भैया, हम जनता का आवाज़ बोल रहे हैं, हम बीजेपी का आदमी नहीं बोल रहे हैं, हम जनता का आवाज़ बोल रहे हैं। रामप्रीत मंडल कितना काम किए हैं? इस ससुरा तो 5 साल में कभी घूरे के नहीं आया है? आज अगर हम आपके सांसद हैं, अरे अगर हमारे ही लड़की हैं शादी करते हैं तो ससुरा से घूर के भी आते हैं, ये तो आज तक घूमे के नहीं आया है। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी सफर जारी है और लगातार हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के खजौली विधानसभा में है और तमाम जनता से हम राय ले रहे हैं कि आखिर किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं और किसे वोट कर रहे हैं। खास करके यहाँ जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, एक तरफ गुलाब यादव है तो दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी से सुमन कुमार महासेठ है, वहीं वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जो जदयू कोटे से आते हैं, तमाम लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और राय जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या स्थिति है, कैसी गर्मी है। सबसे पहले बताइए, गर्मी तो बहुत है सर। चुनाव राहत के लिए क्या करते हैं? राहत के लिए तो हम लोग पंखा चलाते हैं। पंखा चलाते हैं जी। चुनावी सरगर्मी कैसी? हाँ, चुनावी सरगर्मी तो बहुत पारा चढ़ा हुआ है सर। बहुत पारा चढ़ा, बहुत हम लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। अच्छा, और इस बार मुद्दा पे वोट इस बार कर रहे हैं आप? इस बार हम लोग मुद्दा इस रखे हैं जो गरीब का जो मदद करे, जो गरीबों का आके देखे उसको हम लोग वोट देंगे। गुलाब यादव गरीबों का मदद करेंगे लग रहा है? ये तो अमीरों का मदद करता है भैया, ये तो हेलीकॉप्टर में घूमता है। रोजगार की तो बात ये कहता है, हम 4.5 लाख नौकरी दिए भाई, कहाँ दिया हम लोग को? खजौली प्रखंड में कितना को दिखलाओ ना, कहने से थोड़ी होगा। अच्छा। गरीब का बेटा अगर पढ़ा लिखा है, बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, इसको पास नौकरी नहीं मिल रहा है, अब कहते हम सबको नौकरी, किसको नौकरी दिया? तब किसको? रामप्रीत मंडल को? रामप्रीत मंडल को तो सर हम लोग शकल भी नहीं देखे हैं, इसको कैसे वोट दे देंगे? फिर कौन? इस बार कोई नहीं, इस बार हाथी छाप गुलाब यादव जिंदाबाद। हाथी छाप जी, लग रहा है वो काम करेंगे? काम करेंगे, बहुत काम करें। जनता के बीच में जो वादा किया है कि अगर हम सांसद बन के आएंगे तो जितना खजौली में एक्सप्रेस चलता है सभी ट्रेन का यहाँ रुकावट करेंगे, कोल स्टोर भी बनवाएंगे। चलिए, सभी ट्रेन का रुकावट, किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं आप? क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? मेरा तो मेन मुद्दा है सर बेरोजगारी प्लस शिक्षा स्वास्थ्य। अच्छा, ये तीनों चीज ठीक होना चाहिए, इसी के आधार पे देश का विकास हो सकता है। तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात करते हैं, उधर मोदी जी हैं गारंटी की बात करते हैं। मोदी जी का तो बातें छोड़ दी, ये तो जुमलेबाज है। अच्छा, तेजस्वी 14 से बोल रहे हैं कि 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार, अभी तक 1 करोड़ 10 साल में नहीं हुआ है। तेजस्वी जी खैर जहाँ वहाँ है, लेकिन हम लोग का जो खजौली विधानसभा क्षेत्र सॉरी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के लिए तो बिंदु गुलाब यादव और उसके पिताजी गुलाब यादव, बस इन्हीं का अभी है चल रहा है। इधर इस तरफ गुलाब यादव का लहर है? बिल्कुल लहर है, मोदी लहर चल रहा है पूरे देश में। मोदी लहर छोड़िए ना, वो उसका कोई लहर नहीं है। तेजस्वी लहर काम नहीं आएगा इधर? यहाँ काम नहीं आने वाला है। क्यों? यहाँ पर सिर्फ एक ही है, गुलाब यादव जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी बताइए, किस मुद्दा पे वोट करेंगे, आपके क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? हमारे क्षेत्र मुद्दा यही है कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले, इसी मुद्दा पर हम वोट करना चाहते हैं। तो कौन रोजगार दिलाएगा? हमको लगता है कि गुलाब यादव अभी इस बार। अरे तेजस्वी यादव कह रहे रोजगार दिए ना 17 महीना में जी, कहाँ किसी को रोजगार दिए? 5 लाख दिए ना? 5 लाख दिए तो 5 लाख अभी दिए, सही है 5 लाख दिए, लेकिन जितना बोले थे उतना नहीं कर पाए। अच्छा, इसलिए हम लोग तेजस्वी जी की मोदी जी की गारंटी है? फिर मोदी जी का गारंटी छोड़िए ना, वो बात बनाता है और कुछ नहीं करता। तो काम कौन करेगा? काम हमको लग रहा है जमीनी से जुड़े हैं गुलाब यादव। जमीनी से जुड़े हैं गुलाब जी।
तो उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। लालू जी कहते हैं कि सभी जाति धर्म को मौका दे रहे हैं और सबको, हम लोग को मौका दीजिए तब ना बेहतर काम होगा। फिर वो अपना यादव, अपना यादव को तो मौका ही नहीं दिए, तो दूसरे जाति धर्म को क्या मौका देगा? यादव को मौका नहीं दिए, यादव को कहाँ मौका दिए? दरभंगा में दिए है ना, सब जगह कैसे, सभी जगह यादव के दे देंगे, दूसरा जात नाराज हो जाएगा जी। सभी जगह के बात छोड़िए, यहाँ पे इस लोकसभा क्षेत्र में तो हम देख भी नहीं कह रहे हैं कि यादव का अपना योगदान दिए हैं। कोई योगदान नहीं दिए, कोई योगदान नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग इस बार गुलाब यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुलाब यादव को सपोर्ट कर रहे हैं हम, लगातार जो है जनता से रूबरू हो रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है और किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में? सर आप लोग अगर क्षेत्र में घूमे होंगे तो देखे होंगे विकास, हम क्या कहें अपने मुँह से, यही खजौली मार्केट, यहाँ की जनता है। यहाँ से अगर पूरब मुख कन्हौली चलिए, चतरा चलिए, चनाडीह चलिए, विकास तो ये किए जो आज लगभग मैं एक रिपोर्ट देना चाहती हूँ, कमला तटबंध में मिट्टीकरण हो रहा है, आपका जो पश्चिमी कमला तटबंध है उसमें जो मिट्टीकरण हो रहा है, लगभग 100 परिवार का मैंने लिस्ट लाया है यहाँ पर, और वो महादलित परिवार का उजड़ गया, जबकि सरकार का संविधान ही नहीं, सरकार का एक प्रावधान है जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको पहले बसा दिया जाए तब आप घर किसी को उजाड़िए। इन्होंने बगैर नोटिस दिए, बगैर कुछ कहे सुने आज 100 परिवार से ज़्यादा परिवार को उजाड़ दिया है मिट्टीकरण करके, यही विकास हुआ। रामप्रीत मंडल कुछ विकास नहीं किया? बिल्कुल नहीं, ना रोड देखते हैं, ना जल देखते हैं, ना नल देखते हैं, ना किसी को, हम लोग बोलते बोलते कुछ, उनका एक यहाँ पर है नेता लोग, उनको बोले जो कम से कम खजौली में कुछ नहीं है, एक विवाह भवन ही बना दीजिए जो खजौली मार्केट के लिए। किसको चुनिएगा इस बार? हम लोग गुलाब यादव को चुनेंगे। क्यों? गुलाब यादव व्यक्तिगत इंसान अच्छे हैं। सुमन कुमार महासेठ अच्छे नहीं है? वो RSS के आदमी है, वो तो महागठबंधन के आदमी, महागठबंधन में अभी आए हैं, उन पर हम लोग का रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। अच्छा, इसलिए जो कब बदल जाएंगे कोई ठीक नहीं है, जो पैसे पर टिकट खरीदा। अरे उनके लिए तेजस्वी लगातार रैली कर रहे हैं, करने दीजिए। सुनिए भैया, आप भी तेजस्वी के रैली में गए होंगे, आप भी तेजस्वी के रैली में, चाहे आप आज सुनने में आया है जो बाबू बड़ी में था, आप लोग गए, क्या 5000 आदमी जुटता है? 5000 आदमी नहीं जुटता है, 2000 से 3000 पुरते पुरते दम निकल जाता है। अरे वो तो कह रहे पूरा यादव मुस्लिम अगरा पिछड़ा सब हमारे साथ है, तो सो जनता जवाब दे देगी ना 7 तारीख को। 7 तारीख का जनता जवाब देगी जो कौन किसके साथ है। यादव साथ नहीं है? यादव कुछ, अच्छा कुछ, वो तो कह रहे विकास किए ना हम, विकास रोजगार देने का काम, रोजगार दिए, क्या आप ही का रोजगार, आप वेतन बढ़ाए। अभी हमारे भरत जी बोले हैं 300 रुपया बढ़ाया, 300 रुपया इसका होगा? आज नीतीश कुमार हमारे यहाँ तेल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू यादव कहते हैं कि हम तो यादव के लिए, मुस्लिम के लिए जितना काम किए हैं, अगर दलित के लिए काम किया, कोई काम किया होता? एक चीज भैया, अगर यादव के लिए करते तो यादव के बेटा आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेटा बेरोजगार नहीं रहता। वो अपने लिए किए, सिर्फ लालू यादव अपने परिवार के लिए किए। अच्छा, एक से एक हमारे यादव समुदाय में पढ़े लिखे लड़का लड़की बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं रहता। आप किए विकास खुद के लिए, खुद परिवार के लिए, ना कि आप जनता के लिए। ये आरोप तो बीजेपी वाले लगाते हैं, हम भी लगा रहे हैं, इसलिए आप बीजेपी का आदमी निकल गए? नहीं भैया, हम जनता का आवाज बोल रहे हैं, हम बीजेपी का आदमी नहीं बोल रहे हैं, हम जनता का आवाज बोल रहे हैं। जो हमने आज 4-5 रोज से कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें हमको जहाँ तक आवाज आई है, ममता का आप 200 रुपया बढ़ा दिए, अस्थाई मानदेय क्यों नहीं दे रहे हैं टीचर लोग को, रिटायर होने के बाद आप पेंशन। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम मान लीजिए खुद को विधायक मानते हैं, हम विधायक हैं, अगर हम अगले चुनाव में हार गए तो मेरा पेंशन चल रहा है, कोई MLC है वो अगर हार गए पिछले चुनाव में फिर अगले चुनाव में तो उनका पेंशन चल रहा है, कोई सांसद का पेंशन चल रहा है, टीचर को पेंशन क्यों नहीं, रोजगार सेवक को पेंशन क्यों नहीं, ग्राम मित्र विकास मित्र जो है उनका पेंशन। तेजस्वी यादव कोई काम नहीं किए हैं आपकी नज़रों में? काम कुछ कुछ नज़र में आया, लेकिन बिल्कुल जनता के बीच में सही ढंग से नहीं आया, धरातल पर नहीं आया है। चलिए, धरातल पे नहीं आया है,
क्या नाम हुआ? भरत कुमार यादव, उप मुखिया प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदर महासंघ के प्रखंड उपाध्यक्ष। यादव जी हैं? जी सर। तब तो तेजस्वी यादव के साथ जाइएगा। हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, न सुमन महासेठ के साथ हैं, रामप्रीत मंडल के नहीं साथ हैं, हम हैं। यादव जी टूटे वाला होता है जी। यादव जी कैसे नहीं टूटेगा? अगर आप सोचिएगा जो हम पूरे बपोटी हमारा ही यादव हो गया तो अब अनपढ़ गवार नहीं रहा। बाबा दादा था अनपढ़ गवार तो हो जाता था, इसका बच्चा सब पढ़ने लिखने वाला सब अपना भविष्य देखता है। अच्छा जी सरकार, यादव जी अब टूट गया है पूरे। इस बार तो हमको लगता है जो झंझारपुर लोकसभा में 25% अगर इसको वोट हो जाएगा यादव परिवार से तो बहुत हो गया लालू यादव के नाम पर। 25% की बात करते हैं जी, इस बार वो नहीं होने वाला है। अच्छा, रामप्रीत मंडल कितना काम किए हैं? इस ससुरा तो 5 साल में कभी घूरे के नहीं आया है? आज अगर हम आपके सांसद हैं, अरे अगर हमारे ही लड़की हैं शादी करते हैं तो ससुरा से घूर के भी आते हैं, ये तो आज तक घूमे के नहीं आया है। हम लोग फोटो और तस्वीर में देखे हैं, रियलिटी में हम लोग इनको नहीं देखे। काम तो देखते हैं हम लोग का, ना एक्सप्रेस गाड़ी रुक रहा है, ना कोल्ड स्टोर बना है। आज तक जाइए ना क्षेत्र में घूमने के, कहीं बोर्ड भी नहीं देखेगा इनका सांसद का कार्य का। ये सच्चाई बात है, हम लोग इनके खिलाफ नहीं बोले, काम करता। हम लोग सांसद बनाए थे तो इसको बरापन करते, नहीं काम किया इसीलिए ना बरापन नहीं करते हैं। अच्छा, रह गई गुलाब यादव की बात, तो गुलाब यादव की बेटी चेयरमैन है, इसकी हम पत्नी अंबिका गुलाब यादव MLC है। गुलाब यादव ऐसे भी हम लोग को गरीब का मदद करने के लिए पप्पू यादव की जैसे हर हमेशा रोड पर रहते हैं। मसीहा तो लालू यादव है, गरीब का मसीहा लालू यादव था। अब इसका तेजस्वी गरीब का मसीहा नहीं है, रुपया का मसीहा है। अच्छा, जिन्हा पैसा है उसी को साथ है। आज पहले हम लोग देखते थे, हमारे गांव में चाचा थे चेयरमैन, जिला अध्यक्ष रहते थे सदस्य, उनके यहाँ चेयरमैन आता था। अभी देख रहे हैं कि जो रोड पे घर बना है अगर चेयरमैन को काट देते हैं तो धरातल पर आपके उसके साथ खड़ा होता है, तो उसको ना हम लोग नेता मानेंगे? लालू यादव को बेटा कैसे नेता मान लेंगे? यादव है तो उसका मतलब यादव है तो इसको आते भी सीएम होने वाले हैं बिहार के। सीएम का तो उसको कहे लालू प्रसाद बेटा को सपना छोड़ देने के लिए। सीएम हम लोग बन सकते हैं? ये नहीं बन सकता है। आप बन सकते हैं? वो नहीं बन सकता है। हम लोग वार्ड मेंबर में 3 बार चुनाव जीते हैं तो इसका मतलब बुझिए जो हम लोग में दम है। अच्छा। हम लोग जनता से जुटी हुई हैं, जमीनों पर उतर के काम करते हैं और ये क्या करते हैं? तेजस्वी यादव अब यादव के नेता नहीं है, यादव के नेता नहीं है, ये रुपया वाले को नेता है, अपने परिवार के लिए देखते हैं बाकी नहीं देखते हैं। अगर ये यादव का नेता रहता, गुलाब बाबू जैसे काम करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है, इंसान है, उनको क्यों नहीं टिकट होना चाहिए? आप आश्वासन दिए कि सर टिकट देंगे, छीन लीजिएगा तो उचित नहीं ना होता है। इसीलिए यादव में खलबल लिया जो गुलाब यादव को ही जिताना है। झंझारपुर का यादव पूरा नाराज है, पूरे जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ किया था तेजस्वी यादव, पीठ में छोड़ा भोंका, ऐसा ही गुलाब यादव के साथ पीठ में छोड़ा भोंका है। तमाम जनता से सुन रहे थे क्या कुछ कहना था उनका और किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं और किससे नाराज है। मोदी जी का नाम सुनते ही काफी भड़क जाते हैं, आखिर क्या हुआ? रामप्रीत मंडल जो है कितना काम किए, सुना आपने जनता से। तब तक के लिए बने रहेगा लाइव बिहार के साथ, कमलेश कुमार, लाइव बिहार, झंझारपुर। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।